दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को सरकार के पांच ऐसे कार्ड के बारे में बताने वाला हूं जो कार्ड अगर आप बनवा लेते हो तो आप सरकार से लाखों का मुफ्त में फायदा उठा सकते हो बहुत ही आसानी से। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आप सभी को बताता हूं कि वो कौन से कार्ड है जो आपको बनवाने हैं और जिसके बनवाने के बाद आप सरकार से लाखों का मुफ्त में लाभ उठा सकते हो। तो चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों हमारे लिस्ट में जो सबसे पहला कार्ड है वो है KCC किसान क्रेडिट कार्ड। ठीक है, अगर आप ये कार्ड बनवा लेते हो तो इस कार्ड को बनवाने के बाद आप 1.5 लाख तक का लोन बहुत ही आसानी से प्राप्त कर सकते हो। उसके साथ ही दोस्तों इसका जो ब्याज दर है वो बहुत ही कम होता है, 2% से भी कम होता है इसका ब्याज। तो ये आप सभी के लिए बहुत ज्यादा बेनिफिट वाली बात है कि इसमें आपको 1.5 लाख तक का पहले तो लोन मिल जाता है, इसके साथ इसका जो ब्याज है वो बहुत कम है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसमें आपको ये भी बेनिफिट मिलता है, जो आपको पैसा भरना होता है वो फसल काटने के बाद ही भरना पड़ता है। इसमें दोस्तों आपको बीमा भी मिल जाता है, तो ये सब बहुत ही अच्छी बात है इस क्रेडिट कार्ड का। ये क्रेडिट कार्ड आप सभी के लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। दूसरा जो कार्ड है दोस्तों वो है ई श्रम कार्ड। अगर आप अपना ई श्रम कार्ड बनवा लेते हो तो आप सभी को पता ही होगा जब पिछली बार लॉकडाउन लगा था तो लॉकडाउन के दौरान सरकार के द्वारा जितने भी लोगों का ई श्रम कार्ड बना था उनको बेनिफिट दिया जा रहा था, किसी के खाते में 500 रुपए, किसी के खाते में 1000 रुपए, ऐसे करके बहुत सारे लोगों को बेनिफिट मिला ई श्रम कार्ड का। साथ में दोस्तों इसमें आपको बीमा का भी सुविधा मिल जाता है और इसमें एक ऑप्शन है, अगर आप उसके लिए अप्लाई कर देते हो तो आप जब 60 साल के हो जाओगे तो बिना कुछ किए सरकार की तरफ से आपको मुफ्त में पेंशन भी दिया जाता है 3000 रुपए तक का। इसके साथ ही दोस्तों ई श्रम कार्ड के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, बाकी बेनिफिट्स मैं आपको डिस्प्ले पर शो कर देता हूं, आप देख सकते हो। तीसरा जो कार्ड है दोस्तों वो है हमारा आयुष्मान कार्ड। आप सभी को पता ही होगा कि अभी बहुत ही जोरों शोरों से कुछ दिन पहले आयुष्मान कार्ड का जो है प्रचार हो रहा था। अब दोस्तों मैं बता देता हूं इसको अगर आप बनवा लेते हो तो इसके बेनिफिट क्या क्या हैं और कैसे आपको बनवाना है। देख दोस्तों ई श्रम कार्ड बनवाने के लिए सबसे पहले आपका लिस्ट में आपको अपना नाम चेक कर लेना है, बाकी ई श्रम कार्ड कैसे बनाना है उसका वीडियो का लिंक मैं आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, उसको आप देख के अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हो। आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद दोस्तों आपको बेनिफिट क्या मिलने वाला है, तो अगर आप अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लेते हो तो आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद आप भारत के किसी भी आयुष्मान से रजिस्टर्ड जो भी अस्पताल है उसमें 5 लाख तक का बहुत ही आसानी से बिल्कुल फ्री मुफ्त में इलाज करवा सकते हो। वो जो पैसा है वो सरकार भरेगी, आपको एक भी रुपए नहीं भरना है। बस इसके लिए क्या करना है, आपको अपना लिस्ट में नाम देखना है और अपना आयुष्मान कार्ड बनवा लेना है। आयुष्मान कार्ड बनवाने के बाद आपको 5 लाख तक का मुफ्त में इलाज करने का जो है सुविधा सरकार की तरफ से मिल जाता है। तो ये भी कार्ड दोस्तों है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और आप सभी के लिए बहुत ही अच्छा है और लाभदायक कार्ड है। चौथा जो हमारा कार्ड है दोस्तों वो है लेबर कार्ड। अब देखिए दोस्तों बहुत सारे जो लोग हैं वो लेबर है, श्रमिक है, उनको कोई भी सुविधा नहीं मिलती, इसके लिए जो है दोस्तों लेबर कार्ड है। अगर आप अपना लेबर कार्ड बनवा लेते हो तो लेबर कार्ड बनवाने के बाद इसमें आपको बहुत सारी बेनिफिट मिल जाती है। सबसे पहले तो आपके बच्चों को शिक्षा की सुविधा मिल जाती है, इसके साथ ही दोस्तों इसमें आपको बीमा की भी सुविधा मिल जाती है। इसके साथ साथ दोस्तों अगर आपको कभी कोई चोट लग जाती है, आप विकलांग हो जाते हो या फिर आपकी मृत्यु हो जाती है तो उसके लिए भी इसमें आपको बीमा की सुविधा मिल जाती है और बहुत सारी इसमें बीमा आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों लेबर कार्ड भी आपके लिए बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुविधायक है। यहां पे आप अगर इसे बनवा लेते हो तो आपको बहुत सारे लाभ देखने को मिलेंगे इस कार्ड के द्वारा, जिसका फायदा आप सरकार से उठा सकते हो। हमारा जो पांचवा और लास्ट कार्ड है दोस्तों वो है BPL कार्ड। आप सभी को दोस्तों पता होगा कि BPL कार्ड जो भी लोग गरीबी रेखा से नीचे आते हैं उन लोगों का बनता है और BPL कार्ड बनवाने के बाद आप सभी को लाभ क्या मिलता है, सबसे पहले तो आपको मुफ्त में राशन मिलता है। इसके साथ ही दोस्तों आप सभी को घर बनवाने के लिए भी सरकार की तरफ से 2.5 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक मिलता है, जो कि आपके खाते में आ जाते हैं और उससे आप अपना घर भी बनवा सकते हो। इसके साथ ही दोस्तों इसमें भी आपको कुछ बीमा के बेनिफिट्स मिलते हैं जो कि बहुत ही अच्छे बेनिफिट्स हैं और आप इसका लाभ उठा सकते हो अपना BPL कार्ड बनवाने के बाद। लेकिन दोस्तों BPL कार्ड उन्हीं लोगों का बनता है जो गरीबी रेखा से नीचे आते हैं। दोस्तों यही 5 कार्ड थे जो अगर आप बनवा लेते हो तो इसको बनवाने के बाद आप सरकार से मुफ्त में लाखों का लाभ उठा सकते हो घर बैठे बिना कहीं गए। तो चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं आप सभी को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा होगा। अगर आपका इनमें से कोई भी कार्ड नहीं बना है तो जाइए अपना कार्ड बनाइए और कार्ड बनवाने के बाद ये जो लाखों का फायदा मिल रहा है सरकार की तरफ से मुफ्त में, जो आप सभी को पैसे मिल रहे हैं, इसका लाभ उठाइए। बाकी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये जो वीडियो है अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लीजिएगा ताकि वो भी इस चीज का लाभ उठा सके। चलिए दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।